शुक्रवार की देर शाम रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम हिम्मतपुर डोटियाल में एक ग्रामीण के खेत में संदिग्ध हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि घटना की जानकारी पास में ही रहने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कोतवाली पुलिस को देते हुए बताया कि उनके पड़ोस में स्थित एक खेत के अंदर कुछ युवक खुदाई कर रहे थे। इसी बीच इन युवकों को खुदाई के दौरान एक हैंड ग्रेनेड नुमा बम मिलने से उनके होश उड़ गए। इसके बाद मौके पर कई ग्रामीण एकत्रित हो गए, जिसके बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख द्वारा इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। वहीं बता दें कि घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाल अरुण कुमार सैनी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पहली नजर में बरामद हैंड ग्रेनेड बम खिलौने जैसा प्रतीक हो रहा है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से इसे गड्ढे में ही दबा दिया गया है। साथ ही विभाग में इससे संबंधित विशेषज्ञों को जानकारी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों की टीम द्वारा बरामद संदिग्ध बम की जांच के बाद ही वास्तविकता का पता चलेगा और तभी ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल शाम मेरे घर के पास एक खेत में खुदाई करते हुए एक हैंड ग्रेनेड नुमा एक वस्तु मिली, जिसको मेरे साथियों ने मुझे व्हाट्सअप उसको करके भेजा, तो वो देखने में ऐसा लग रहा था कि वाकई में हैंड ग्रेनेड है। मैं तुरंत भागकर मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, उसके बाद हम भागकर मौके पर पहुंचे। उसके बाद कोतवाली की पूरी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर पहुंची और वहां पर जब मौका मुआयना किया गया, हैंड ग्रेनेड को देखा गया, तो प्रथम दृष्टया कोतवाल साहब ने यह कहा कि मैंने इसकी ट्रेनिंग की है और मुझे ये लगता है कि ये कोई खिलौना टाइप का है कुछ, तो उसको उन्होंने तुरंत उसी समय खेत में गड्ढा करके, गड्ढा करने के बाद उसे खेत में दाब दिया गया था। और आज उन्होंने कहा था कि उन्होंने बीडी की टीम से भी उन्होंने जो है बात की, जो बम निरोधक दस्ता होता है उस टीम से भी बात की, उन्होंने आने की संभावना जताई, लेकिन उसके बाद नेट पर भी सर्च करने के बाद उन्होंने जो चीज़ दिखाई दी प्रथम दृष्टया जो लग रहा था, तो वो एक खिलौने का की तरह लग रहा था। बाकी पुलिस इसमें जांच कर रही है। गांव में उस समय बहुत हड़कंप मच गया था, जब ये पता चला कि गांव के अंदर एक हैंड ग्रेनेड मिला है, तो बहुत सारी वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लोगों में दहशत का माहौल था। हम लोग भी काफ़ी डर गए थे कि गांव में आखिर हैंड ग्रेनेड कहां से आया, तो उसमें भी जांच चल रही है, आगे पुलिस बता सकेगी कि क्या चीज़ थी। कल हिम्मतपुर रुटियाल में एक सूचना मिली थी कि हैंड ग्रेनेड एक खेत से बरामद हुआ है। मौके पर जाकर हमारे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था, तो उसमें हैंड ग्रेनेड का प्रतिरूप एक बहुत छोटे साइज में मतलब बरामद हुआ था, जो देखने से टॉय लग रहा था, तो क्योंकि हैंड ग्रेनेड का जो साइज़ है और जो उसका एम्बियंस है वो उससे डिफरेंट था। हमारे द्वारा उसे सुरक्षित रखा गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।